हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फार्मेसी सेशन में। और आप मेरे यूट्यूब वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे जब मैं उनको अपलोड करूँ। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फिगर के अंदर जो है मैंने लिखा है, मेंशन किया राहु इफेक्ट एंड इट्स रेमेडीज। मैंने आपको पहले भी बताया था कि राहु जो होता है बहुत ही स्ट्रांग प्लैनेट होता है, इसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। और अभी जो ये समय चल रहा है, जो ये कलयुग समय चल रहा है, इस समय राहु का प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा। तो पहले हमारी जो पौराणिक जो धर्म के हिसाब से सब बताया गया, हिंदू धर्म के हिसाब से सब बताया है कि राहु का प्रभाव कलयुग में, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा राहु का इफेक्ट बढ़ता जाएगा और राहु की सारी चीजें जो है वो इंक्रीज होती जाएंगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, राहु जो है इंसान को गलत कर्मा करवाता है, इंसान को गलत रास्ते पे ले जाने की प्रेरणा करता है। और यही सब कुछ आजकल चल रहा है, लोग राहु के तरीके से अपना पैसा कमा रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और जो राहु की चीजें होती है उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे लोग ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, शराब वगैरह पी रहे हैं काफी ज्यादा, ठीक है, उसके बाद में जो है स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं। और लोग आजकल काफी ज्यादा जो है गलत चीजों को फॉलो कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं हॉलीवुड इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री है, पॉलिटिशियंस हैं, ये सब जो है इन सबका करेक्टर, इनमें जो लोग हैं उन सबका करेक्टर काफी खराब होता जा रहा है और उनके जो है संबंध काफी ज्यादा लोगों से हो रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं। जो तो गलत चीजें जो समाज में पनप रही है, जो हिंदू धर्म के अगेंस्ट जा रही है, वो सब राहु की वजह से हो रही है। तो राहु इंसान को गलत रास्ते पर ले जाने की प्रेरणा दे रहा है और लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं, लोग रिश्वत भी ले रहे हैं, प्रॉपर्टी का धंधा हो रहा है, गलत धंधा हो रहा है, सब चीजों का हो रहा है, प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, सब चीजें जो चल रही है वो सब राहु की वजह से चल रही है। राहु को अगर हमें देखना है उसका इफेक्ट कितना है, इसके लिए हमको पाम में जाना पड़ेगा। अगर हम किसी इंसान का पाम देखते हैं और अगर उसके जो राहु लाइंस जो मैंने मार्क की है, अगर इस तरीके से उस एरिया में लाइंस अगर आ रही है और अगर ये लाइंस बहुत डार्क है, गहरी है और बहुत सारी लाइंस हैं, तो ये क्या होगा, ये राहु के इफेक्ट को बता रही है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि पूरा एरिया कवर हो रहा है, जो लाइफलाइन मैंने जो बताया आपको, लाइफलाइन में पूरा लगातार राहु का इफेक्ट दिख रहा है। यानी कि इंसान जिंदगी भर राहु को फॉलो करेगा, उसी के अनुसार चलेगा और गलत कर्मा करेगा। और आप ये भी जानते हैं कि जब इंसान गलत कर्म करेगा तो उसे दंड भी मिलेगा। तो हो सकता है दंड उसको इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले, लेकिन उसे दंड जरूर मिलेगा, क्योंकि यही कर्म का विधान है कि जैसा जो इंसान कर्म करेगा वैसे सब भोगना पड़ेगा। तो हम राहु के इन्फ्लुएंस में ना करके उसके अगेंस्ट जाएं, उसको फॉलो नहीं करें, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन लें और लाइफ में आगे बढ़े। तो उसके लिए हमको राहु की रेमेडीज करनी पड़ती है। जब हम राहु की रेमेडीज करेंगे, राहु से बचेंगे, तो हमारी लाइफ बेटर होगी और हम इसके प्रभाव से बच पाएंगे। नहीं तो क्या है कि इसके प्रभाव में आना निश्चित तौर पर पक्का है, क्योंकि राहु का प्रभाव इतना शक्तिशाली, इतना स्ट्रांग है, उसका इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग है कि लोग उसके प्रभाव से है, उसके प्रभाव में आ जाते हैं और कर्म करने लगते हैं। देखिए, मैंने लाइंस मार्क की है, कुछ लाइंस जो है वो माइंड लाइन पे जा रही हैं। अगर माइंड लाइन पे राहु की लाइन जाएंगी तो इंसान के जो मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहेगा, इंसान को माइग्रेन भी हो सकता है, सिरदर्द भी बहुत ज्यादा हो सकता है। अगर राहु की लाइन जैसे मैंने मार्क की है अपर मंगल पे चली गई, तो पिताजी की जो है अपने फादर उस नेटिव के फादर की डेथ हो सकती है जल्दी, ठीक है। अगर ये राहु की लाइन अगर लक लाइन को काटेगी तो पैसे का नुकसान होगा। अगर ये आपके शुक्र के पर्वत पे आएंगी तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा। जो भी अगर इंसान अगर मेल पर्सन है तो उसकी अपनी वाइफ से नहीं बनेगी। वाइफ के अगर लाइन अगर हाथ में लकीर आ रही है, इस टाइप की लाइन्स आ रही है शुक्र पर्वत पे, तो उसके हस्बैंड से नहीं बनेगी। तो इस टाइप के बहुत सारे राहु के इफेक्ट्स वगैरह आते हैं जो पाम में देख सकते हैं। जेल की यात्रा भी करवाता है ये, और चोरी चकारी भी करवाता है, और भी कई प्रोस्टिट्यूशन में भी डालता है। तो उसके मल्टीपल इफेक्ट्स हैं। अगर हम इसको बैठे हैं, उसको गिनने बैठे, कम से कम 100-150 इफेक्ट होते हैं जो राहु की वजह से आता है। और अगर हम इसको पाम में देखें तो हर एक लाइन का अलग महत्व होता है, हर एक लाइन का अलग सिग्निफिकेंस होता है, और उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि इस लाइन का ये मतलब है। यहाँ पे अभी मैं आपको रेमेडी बताता हूँ। रेमेडी करनी बहुत जरूरी है, रेमेडी इसलिए करनी जरूरी ताकि हम इसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बच सकें और अपनी लाइफ को आगे लेके जाएं। राहु से बचने के लिए हमें हनुमान जी के शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी हैं जो कि इन चीजों को सही कर देते हैं। जैसे राहु जो होता है वो तंत्र का कारक होता है, तंत्र मंत्र होगा तो राहु का इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, इंसान जो है गलत रास्ते पे जाएगा, इंसान जो तांत्रिक बन सकता है और साधना कर सकता है कब्रिस्तान में जाकर के, ग्रेवयार्ड में जाकर के। तो इस टाइप के लोग राहु से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और राहु को प्रमोट करते हैं। तंत्र का जो पूरा जो काम होता है वो राहु के इसमें इन्फ्लुएंस के अंडर ही होता है। तो जो तंत्र वाली जो चीज है, भूत प्रेत की जो बाधा है, ऊपरी हवा है, जो 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 पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है, पैरानॉर्मल जो फोर्सेज है, उन सबसे डील करने के लिए हनुमान जी को भी माना गया कि वो उससे जो है हमको निजात दिला सकते हैं, बचा सकते हैं। तो हनुमान जी का आपने देखा भी होगा कि हनुमान जी का प्रभाव बहुत ज्यादा है कलयुग में, और उन्हीं के थ्रू हम बच सकते हैं। क्योंकि सभी भगवान क्या है कि आपको वरदान जो है देवताओं को, वो दानवों को वरदान देते हैं। शंकर जी हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, कोई भी भगवान है, त्रिदेव है, वो क्या है हनुमान, वो देवताओं को भी वरदान देते हैं, दानवों को भी वरदान देते हैं। तो इसलिए क्या है कि हम उनकी पूजा करेंगे तो उससे लाभ हमको नहीं मिलेगा। राहु से बचने के लिए हम रेमेडी करेंगे तो हमें उससे ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा।
हनुमान जी के पास अगर कोई भी दानव आता है, कोई भूत प्रेत वाली शक्ति आती है, कोई भी नेगेटिव फोर्स आता है, तो हनुमान जी इसको तुरंत डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि हनुमान जी को वरदान प्राप्त है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी भूतिया ताकत, कोई भी जो है फालतू चीजें, वो हनुमान जी इसको नष्ट कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए सुनसान, इसलिए जहां पे तंत्र की दिक्कत होती है, भूतिया चीजों की दिक्कत होती है, वहां पे हनुमान जी की पूजा होती है, ताकि हनुमान जी हमको बचा सके। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैंने आपको बताया, तो जो रेमेडीज में सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी रहेगी, हनुमान जी की हम पूजा करें। हनुमान जी के जो स्पेशल मंत्र होते हैं, हीलिंग मंत्र होते हैं, कुछ मंत्र हमें घर में चलाने पड़ेंगे, कुछ मंत्र हमको चैंटिंग करने पड़ेंगे। वो मंत्र मैं आपको दे दूंगा, आप बोलेंगे तो मैं आपको उसको बारे में बता दूंगा। तो वो मंत्र हम चैंट करेंगे तो ही हमें लाभ मिलेगा, क्योंकि उन सब मंत्रों में है कि सभी तरह के श्राप से, सभी तरह की नेगेटिव फोर्सेज से हमें निजात मिलेगी। कुछ चीजें जैसे हम कर सकते हैं कि लाल चंदन, सॉरी सफेद चंदन की अगरबत्ती हम घर में जलाएं। अगर हम सफेद चंदन की अगरबत्ती घर में हम जलाएंगे तो हमें बहुत फायदा मिलेगा, इससे राहु की दिक्कत दूर होगी। और जैसे हम मंत्र जैसे चैंटिंग कर सकते हैं, ओम हम हनुमंते नमः, अगर हम इस मंत्र की चैंटिंग करेंगे तो हमें राहु से हमें निजात मिलेगी, हमें फायदा मिलेगा। तो दिन में कई बार हम इस मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं, ओम हम हनुमंते नमः, और जो है हम हनुमान जी के 12 नाम भी बोल सकते हैं, इससे भी हमें अच्छा बेनिफिट मिलेगा। कुछ हीलिंग मंत्र होते हैं जो हम घर में चला सकते हैं, जैसे हनुमान जंजीरा, पंचमुखी हनुमान जी का वश, मारुति श्रोत्रम, इस तरह के मंत्र अगर हम घर में चलाएंगे तो हमें फायदा मिलेगा। हमें काले कपड़े धारण नहीं करने चाहिए, अगर हम काले कपड़े का धारण करेंगे तो हमें तो वो क्या करेगा, नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा। राहु क्या होता है, उसका कलर ब्लैक होता है, तो अगर हम ब्लैक कलर के कपड़े ज्यादा पहनते हैं तो राहु के इफेक्ट को बता रहा है। ज्यादा स्ट्रांग परफ्यूम यूज करें तो वो भी राहु के इफेक्ट को बता रहा है। तो हम काले कपड़े नहीं पहने और स्ट्रांग परफ्यूम यूज नहीं करें तो राहु से बचने की रेमेडीज हम करें। शुद्धिकरण मंत्र भी होता है जिससे हम पूरे घर की शुद्धि कर सकते हैं और राहु के इफेक्ट से हम बच सकते हैं। और मैं हनुमान जी का लॉकेट भी बना करके देता हूँ, हनुमान जी का जो लॉकेट होता है वो भी आप धारण कर सकते हैं, ताकि राहु से हम पूरी तरह से बच सके। जो हनुमान जी का लॉकेट होता है उसमें दो खूबियां होती है, एक तो होता है कि जो है वो अभिमंत्रित लॉकेट होता है, यानी वो लॉकेट नाम से बनेगा। जब कोई लॉकेट नाम से बनता है तो ज्यादा पावरफुल होता है, 100 times ज्यादा पावरफुल होगा वो। और दूसरा चीज, वो जो लॉकेट होता है वो टेलर मेड होता है, डेडिकेटेड होता है, यानी जो समस्या इंसान की, जो नेटिव है, जो उसकी जो समस्या है उसके अकॉर्डिंग उन समस्याओं को ध्यान में रखते जो है उस लॉकेट को बनाया जाता है, ताकि जो है राहु की दिक्कत दूर हो सके, राहु की और अन्य दिक्कत सारी दूर हो सके, सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो सके। तो हनुमान जी का लॉकेट पहनने से बहुत लाभ मिलता है। और हम जो है मंगल शांति जाप करा सकते हैं, जब मंगल शांति जाप हम करेंगे तो राहु की दिक्कत अच्छे से दूर होगी, क्योंकि मंगल के स्वामी हनुमान जी होते हैं। जब हनुमान जी की पूजा होगी, मंगल की पूजा होगी, तो ऑटोमेटिकली राहु की दिक्कत दूर होगी। हम ये रेमेडी भी कर सकते हैं। ये रेमेडीज दोस्तों हम करेंगे तो हमारी राहु की दिक्कतें दूर होंगी, हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि राहु हमको मेंटल टेंशन देता है, स्ट्रेस देता है और हमको परेशानी पैदा करेगा, हम सो नहीं पाएंगे, रात बेचैन रहेंगे, एंग्जाइटी फियर सब कुछ देता है। तो इनसे बचने के लिए हम ये कुछ रेमेडीज करें। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी बनाता हूँ दोस्तों, और राहु के बारे में बताऊंगा कि जो लाइंस अपनी जो आ रही है यहाँ पे, जो लाइंस आ रही इन राहु लाइंस का, हर एक लाइन का क्या मतलब है, तो उस लाइन का मीनिंग बताऊंगा, उसका इफेक्ट बताऊंगा क्या रहेगा लाइफ में, और कैसे होता है जेल योग, कैसे होता है लोग आत्महत्या कैसे करते हैं, लोग तंत्र के चक्कर में कैसे फंस जाते हैं, ब्लैक मैजिक में कैसे फंसते हैं, क्योंकि राहु के वजह से ब्लैक मैजिक भी होता है, वो सब का जो सोर्स होता है वो राहु होता है। तो वो मैं आपको लाइंस के बारे में बताऊंगा कि ये सब लोग इनसे पीड़ित हैं, तो वो सब चीजों के बारे में जब आपको जानकारी मिलेगी तो फिर आपको फायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मैं दोबारा प्रस्तुत होता हूँ आपके सामने। थैंक यू।